मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के परौर में कोविड 19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में अस्पताल में 250 बिस्तर की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्वयंसेवी रोगियों तथा उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे, जो कि मानवता की महान सेवा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड 19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बल दे रही है, ताकि उन्हें समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। आज का ये कार्यक्रम जो परौर में लगभग 250 बेड कैपेसिटी का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने किया है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके काफी जगह उसको मजबूत भी किया ऑक्सीजन के साथ भी, और बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके जो भी इसके साथ अन्य चीजें व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक थी वो सारी चीजें की। मैंने वहां कांगड़ा आकर के, धर्मशाला आकर के सभी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, सभी नेताओं के साथ भी बातचीत की, और अंततः हमें यही उचित लगा कि ये स्थान जहां हम आज ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, ये सुविधा शुरू कर रहे हैं परौर में, इससे बेहतर कोई और दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। जो जल्दी किया जा सकता है, जो जल्दी सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, उस दृष्टि से इस स्थान को हमने तय किया। और मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ मेडिकल की सारी हमारी टीम, उनको बधाई देना चाहूंगा। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ, और युद्ध स्तर पर काम शुरू होने के बाद इस काम को बहुत थोड़े समय में ही आपने जो है वो पूरा किया, और पूरा करके आज इसका विधिवत हम एक शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव का भी हमको सामना करना पड़े। आज यहाँ पर 64 बिस्तर की हम इस सुविधा को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान के आधार पर हम इसको प्लान करके रखे हुए हैं कि आने वाले समय में और भी जरूर पड़ते हैं। तो 250 बेड की कैपेसिटी का हमने प्लान किया हुआ है, और उसके बाद अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो भी यहां पर 1000 के लिए भी जा सकते हैं, और यहां तक के जो है अगर बहुत ही ऐसा बड़ा संकट आता तो 2000 तक भी जा सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास परौर में मेकशिफ्ट अस्पताल के शुभारंभ मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने रिबन काटा। इस अत्याधुनिक मेकशिफ्ट अस्पताल में 256 बिस्तरों की सुविधा मिल रही है। हर एक बेड में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा होगी। उसका वर्चुअल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, डेडिकेट किया है, और इस मौके पर शिमला से हमारे डॉक्टर राजीव सहजल जी, स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद, लोकसभा श्री किशन कपूर जी, हमारे आदरणीय राज्यसभा की सांसद कुमारी इंदु गोस्वामी जी की उपस्थिति में, और जो हमारे अलग अलग पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए थे, संगठन के लोग आए हुए उपस्थिति में आज इसको लोकार्पित किया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, और पॉजिटिव मामले भी बहुत आए, ठीक होकर के भी गए, परंतु ये जो आज एक ब्लॉक 64 बिस्तरों का डेडिकेट किया गया है, जिसको आगे 250 बेड तक ले करके जाना है, और जैसे अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए कोरोना से संबंधित इस संख्या को 1000 से अधिक भी हम ले जा सकते हैं, इसलिए आज यहां पर इसका डेडिकेट किया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार, स्थानीय प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और डॉक्टर साहिवान जो यहाँ पर जिनको लगाया गया है वो पूरी सेवाएं अब आज से देंगे, उनका आभार। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, उनका आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।